जय गुरु। अब ये एक कायदा देखिएगा, उसमें लैंग्वेज का बहुत एक अच्छी तरह से ढोलक का भी साउंड आता है उसमें। तो पहले मैं बताता हूँ, गेना देखो कितनी डिफिकल्ट लैंग्वेज लगती है, लेकिन बजाने में बहुत खूबसूरती है। ये देडी का कायदा है। पहले झाला ना, रिकॉर्डिंग झाले ना। कितनी खूबसूरती है, लेकिन गिना का तकिट धागिना का धीना गिड़ना का तिट तिट गिड़ना का तिट तिट तक 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 का धीना गिना गिड़ना का तिट तिट गिड़ना का धीना तिट तिट दा 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 गिना का तकिट ताके नक धीना गिड़ना तिट तिट तक 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 का धीना गिना गिड़ना का तिट तिट गिड़ना का धीना तिट तिट दा दा तक दोनों लगते हैं ढोलक जैसा। ये बहुत मुश्किल और बहुत खूबसूरती है। मुश्किल है लेकिन खूबसूरती है। जैसे ड्रिल मशीन जाता है ना, वो गिरमिट बोलते हैं मराठी में। गिना कथा के धागे ना के देना तिरकिट। Thank you.
सर्टिफिकेट उन लोग हो जाता है वो। इससे रव भी आ जाती फिर बाद में। जंग से हो गया सब, इसी को ही आर्ट एक्चुअली कहते हैं लोग। ये सब पुराने लोगों ने करके रखा, हमारे गुरुजी ने बताया, हमारी भी कोशिश। 99% तो आपको कष्ट उठाने पड़ते हैं, एक टक्का में आधा टक्का वो गुरु, और अगर भगवान का आशीर्वाद मिला तो हो सकता है।